अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान, जो सोशल मीडिया पे मैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सवाल करता हूँ MIM से, तो कुछ MIM के गुंडे मेरे घर पर आके हुजूम करते हो। MIM का एक गुंडा जो सोशल मीडिया एडमिन है अकबरुद्दीन अवैसी का इरफान, और MIM के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और मुक्तदर बाबा, और तकरीबन MIM के कारकुन पूरे घर पे हज़ारों का मजमा आ जाता है हमारे गली घर पर, और आके लाता है, मारते है दरवाजे को। हमारे घर के लेडीज़ भी है तो रेस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारे लेडीज़ हिम्मत दिखाकर उन लोगों को रोकने में कामयाब रहे हैं। बस हम अपने घर में है, हमारे घर के पूरे घर के अतराफ़ पूरे गुंडे और पुलिस घेरी हुई है। पुलिस कॉरपोरेट कर रही है लेकिन वो गुंडों को यहाँ पे भगा रही नहीं। क्या हमारा सवाल करना कुछ गलत है? क्या हमारा सवाल करने का हक नहीं? क्या हम कुछ गलत करे थे? ये सब हैदराबाद की आवाम को जागने के लिए जागने की ज़रूरत है। जो सवाल इनसे हक पे करता है उनके घर पे हज़ारों का मजमा भेज देते हैं अटैक करने के लिए। अगर आप लोग हक के लिए मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो आप लोग भी आगे आइए। ये मेरी फैमिली है, मैं फैमिली को क्या मेरे को आज तक मैं फेस पे नहीं ला, आज इनकी हरकत पे मैं आज फेस पे आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरा बच्चे क्या बोला क्या है मेरे को मालूम नहीं, और वो पूरी पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, MIM के पूरे लीडर्स पूरे बाहर खड़े हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं बच्चे के ऐसे पूरे बाहर हजारों की तादाद में लोग हैं। पुलिस को भी कोऑपरेट कर रही पुलिस, मगर वो लोग जा रहे नहीं यहाँ से, और गाली गलौज कर रहे, अम्मा बहन की गाली दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, घर में पूरा दरवाजा तोड़ दे रहे हमारा, बहुत परेशान है हम लोग। बच्चे को मारने के लिए पूरी पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, उनके लोग घरों में तो छुपे हुए हैं। पुलिस कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कॉर्पोरेट कर रही है, पर ये उसमें काउंसलर हुसैनी पाशा और तकरीबन जाननुमा कॉर्पोरेटर सब है इसमें। सोशल मीडिया एडमिन इरफान भी है इसमें, उन्हें आया था, उन्हें आके लाता मारा घर को, लाता मारा इरफान तो बहुत गालियां दे। अगर आप लोग मेरे लिए इंसाफ चाहते तो आप लोग ये आवाज उठाइए, और हैदराबाद की आवाम से बोलूंगा इनसे डरने की जरूरत नहीं है, जागिए आप लोग। मैं मौत से डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं हक के लिए बात करा, कुछ गलत नहीं करा। जब कुछ गलत नहीं है तो फिर लोग क्यों ठहरे हुए यहाँ पर? पूरी पब्लिक खड़ी हुई, पूरी गली में पूरे लोग खड़े हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे घर का हाल, लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, आप लोग इंसाफ दिलाइए। मेरे ऊपर झूठे केसेस बुक कराने की तैयारी चल रही है, टास्क फोर्स को भेजे लोग।